फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फ्रॉक में ज़िप लगाना सीखेंगे। तो ये देखिए, मेरे पास एक रेडीमेड फ्रॉक है और इसकी जो इसमें जो ज़िप लगी हुई है ये ख़राब हो गई है, तो यहाँ पर हम इसको रिप्लेस करेंगे। तो ये देखिए, ये इस तरीके से देखिए ख़राब है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, इस ज़िप को पहले खोल लेना है, अलग कर लेना है और फिर हम यहाँ पर दूसरी ज़िप ऐड करेंगे। तो ये देखिए, मैंने दूसरी ज़िप ले रखी है सेम कलर की। तो ये ज़िप देखिए इसी के साइज़ की है, बिल्कुल थोड़ी सी बड़ी है, तो इतनी ही हमें चाहिए, थोड़ी सी नीचे से बड़ी और थोड़ी सी ऊपर से। बाई चांस अगर ये फ्रॉक का पार्ट आपका ये बड़ा होता है तो ज़िप आपकी तब भी छोटी लग जाएगी। देखिए, नीचे का पोर्शन आपने थोड़ा सा इधर सिल लेना है, छोटा कर लेना है, और ऊपर जितना पार्ट है आपका इतने में आपने ज़िप लगानी है। तो बड़ी जगह पर भी आप आराम से इस छोटी ज़िप को ही ऐड कर सकते हैं। तो अभी देखिए, हमने सिलाइयाँ ये सारी खोल लेनी है और फिर हमने नई वाली ज़िप ऐड करनी है। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने सुई से थोड़ी सी मोटी सी सुई ले लेनी है और इस तरीके से धागे खींचते हुए हमने इसको खोल लेना है। और साइड में देखिए इंटरलॉक भी हो रखा है अंदर को, इसको हमने कैंची से बिल्कुल थोड़ा थोड़ा कट कर लेना है और तब ये आसानी से खुल जाएगी। तो सुई की मदद से हमने ये धागे खोल लेने हैं। तो इस तरीके से देखिए, ज़िप हमने अलग कर ली है। तो अब देखिए, न्यू ज़िप हमने यहाँ पर ऐड करनी है। तो फ्रॉक को हमने ऐसे पलट लेना है और यहाँ पर हमने देखिए इस तरीके से ज़िप के पास हमने इस फ्रॉक को इस तरीके से रखना है। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा मार्जिन, हमने करीब 1/4 इंच का मार्जिन छोड़ देना है और इस तरीके से हमने देखिए ज़िप को हमने ऊपर से भी थोड़ा सा अंदर की साइड फोल्ड कर लेना है और बिल्कुल किनारे पर हमने देखिए ये जो ज़िप की साइड है बिल्कुल किनारे पर हमने यहाँ पर सिलाई लगानी है। स्टार्टिंग में हमने थोड़ा पक्का कर लेना है और फिर हमने पूरा नीचे तक ऐसे सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए 1/4 इंच का मार्जिन हमने इधर छोड़ना है और ज़िप हमने वहाँ तक वहाँ पर ही रखनी है बिल्कुल सीध में और किनारे पर हमने सिलाई लगानी है। तो इस ज़िप को हमने खोल लेना है नीचे तक, जहाँ तक भी खुलती है, और वहाँ तक हमने फिर आसानी से यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है और यहाँ पर नीचे हमने पक्का कर लेना है थोड़ा और धागा यहाँ पर कट कर लेना है। तो इस तरीके से देखिए एक साइड में ज़िप लग गई है और अब हमने दूसरी साइड में ज़िप लगानी है। तो दूसरी साइड में लगाने से पहले आप यहाँ पर कच्चा कर लें तो ज़्यादा सही रहेगा। इस तरीके से हमने देखिए अंदर मार्जिन को फोल्ड करना है थोड़ा सा और देखिए यहाँ की ज़िप हमने बाहर को ही निकाल के रखनी है, इसको ज़्यादा दूर हमने नहीं लगाना। जैसे हमने एक साइड पर पहले वाली लगाई है उतनी दूरी पर नहीं लगानी, थोड़ा सा इसको बाहर निकाल कर ही रखना है, बिल्कुल मतलब कपड़े के साथ में ही रखना है। और इसकी सिलाई भी हमने दूरी पर ही लगानी है, बिल्कुल किनारे पर, जैसे पहले वाली ज़िप में लगाई थी। तो स्टार्टिंग में हमने थोड़ा पक्का कर लेना है। तो ज़िप के किनारे पर ही हमने सिलाई लगानी है, बिल्कुल आगे को नहीं लगानी है, क्योंकि किनारे पर ही सिलाई लगाने से वहाँ पर फिर फिनिशिंग आती है। तो इस तरीके से हमने देखिए सेट करते हुए बिल्कुल नीचे तक, जैसे एक पीस में सिलाई लगाई है सेम तरीके से दूसरे पीस में भी हम लगा लेंगे और नीचे को आकर हमने वहाँ पर पक्का कर लेना है। तो यहाँ पर पक्का कर लेंगे और धागा यहाँ पर हम कट कर लेंगे। तो इस तरीके से देखिए हमारी यहाँ पर ज़िप दोनों साइड में लग गई है और नीचे की साइड से देखिए यहाँ पर हमने अंदर की साइड से यहाँ पर फिनिशिंग करनी है, स्टिच करना है यहाँ पर। और ज़िप में देखिए ऊपर की साइड हम यहाँ पर देखिए ऊपर की साइड यहाँ पर हुक और आई बना सकते हैं ताकि ये इस तरीके से सेट रहे, वरना ये ऐसे भी ठीक है। यहाँ पर ज़िप लग गई है, इसको ऊपर से लॉक कर देंगे तो बिल्कुल सही है। और ऊपर देखिए ये ज़िप का जो मार्जिन है यहाँ पर हम सुई धागे से स्टिच कर लेंगे इसको एक दो टाँके लगाकर। तो देखिए अब हमने अंदर की साइड से इसको स्टिच करना है, नीचे हमने घेरे के साथ इसको जॉइंट करना है। तो इस तरीके से हमने अंदर की साइड में इसको पलटना है और यहाँ वाली सिलाई हमने लगा लेनी है। 2-3 सिलाई लगाकर हम यहाँ पर इसको पक्का कर लेंगे और नीचे से ज़िप को हम कट कर लेंगे जो हमारे पास एक्स्ट्रा आ रही है। तो इस तरीके से देखिए मैं उस साइड में रख कर फ्रॉक को इधर से आपको स्टिच करना दिखाऊँगी। तो स्टार्टिंग में हमने थोड़ा सा पक्का कर लेना है और जो भी हमारे पास 2-3 सिलाइयाँ पहले लगी थी वही सिलाइयाँ लगा लेंगे और थोड़ा पक्का कर लेंगे। तो अब देखिए दूसरी सिलाई भी मैंने यहाँ पर लगा ली है और एक और सिलाई लगाकर हम यहाँ पर किनारे पर इसको पक्का कर लेंगे।
और बीच में भी हमने थोड़ा ज़िप वाली जगह में भी इसको पक्का कर लिया दो तीन सिलाइयाँ लगाकर। और इस तरीके से देखिए हमारी ये ज़िप लगकर बिल्कुल रेडी हो गई है। तो यहाँ पर देखिए अंदर की साइड से भी बिल्कुल फिनिशिंग आई है जैसे पहले थी, उसी तरीके से देखिए हमने रेडी कर लिया है। और यहाँ पर हम हुक और आई बना लेंगे। तो ये देखिए हुक और आई मैंने यहाँ पर बना लिए हैं ताकि ऊपर की साइड से ये बिल्कुल सिक्योर रहे, फिक्स रहे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर हुक लगा लेंगे और देखिए ये फ्रॉक हमारी अब बिल्कुल रेडी हो गई है। तो बैक साइड से भी देखिए ज़िप लगकर इस तरीके से दिखेगी। तो उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।